हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम बना रहे हैं कलाकंद। तो कैसे हम सिर्फ दो ही इंग्रेडिएंट से हम कलाकंद बना सकते हैं, ये दूध की मिठाई है। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई या पैन ले लेंगे और उसमें हम 2 चम्मच जो है वो घी डाल देंगे, ताकि ये दूध हमने लिया है वो बॉयल करेंगे इसमें तो वो चिपके नहीं। तो यहाँ पे 1 किलो फुल क्रीम मिल्क हमने ले लिया है। अब इसको एक बार हाई फ्लेम पे हम बॉयल कर लेंगे। देखिए दूध में उबाल आ गया है। अब हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे बॉयल करना रख देंगे और बीच बीच में हम इसको हिलाते रहेंगे ताकि हमारा जो दूध है वो चिपके नहीं। इसको हमें इतना गाढ़ा कर लेना है कि हमारा ये दूध जो है वो आधा रह जाए। अब इसमें 5 से 6 छोटी इलायची कूट के डाल दी है, आप चाहें तो इलायची पाउडर भी ले सकते हैं। तो 2 तरीके होते हैं कलाकंद बनाने के। एक तो ये है, हम छेना बना लेते हैं दूध का और उसकी हम खटाई निकाल देते हैं पूरी तरह से, और फिर हम उसमें कंडेंस मिल्क या 1/2 लीटर दूध जो कंडेंस करके उसमें हम मिला के भी बना सकते हैं। तो कलाकंद एक दूध की जो मिठाई है वो बहुत ही टेस्टी लगती है, ये एक सॉफ्ट मिठाई है। तो अब यहाँ पे दूध जो है वो आधा हो गया है। हम इसमें 1 चुटकी सिट्रिक एसिड डाल रहे हैं, हमें बिल्कुल भी इससे ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि हमें दूध के छोटे छोटे दाने जो हैं बस वही हमें चाहिए। तो आप चाहें, अगर आप खट्टा पसंद नहीं करते तो आप इसके बिना भी आप पनीर बना के और उसको हम खटाई निकाल के बना सकते हैं, लेकिन ये 1 चुटकी से आपका जो कलाकंद है वो बहुत टेस्टी बनेगा। अगर आपके पास सिट्रिक एसिड नहीं है तो आप 1/2 नींबू का जूस भी इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि दूध जो है कंडेंस हो गया है। तो अब हम इसमें 1/2 कप चीनी जो है थोड़ी थोड़ी करके मिलाएंगे। फ्लेम हमने मीडियम कर दिया है, ज़्यादा चीनी एक साथ डालने से ये बहुत पानी छोड़ देगा, तो थोड़ी थोड़ी चीनी करके हम 3 से 4 बार में इसमें डालेंगे। तो बहुत ज़्यादा मीठा मत डालें इसमें, क्योंकि बहुत मीठा अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ 1/2 कप से थोड़ी कम चीनी हमने डाली है। अब देखिए इसका कलर भी चेंज हो रहा है, थोड़ा गोल्डन हो रहा है इसका कलर। अब इसका थोड़ा पानी हमने सुखा लिया है, लेकिन ये थोड़ा ये अब बिल्कुल जमाने के लिए तैयार हो गया है कलाकंद। तो 1 ट्रे को हमने ऑयल से या घी से ग्रीस कर दिया है, उसमें हम ये सारा मिक्सचर डाल देंगे और इसको जमा लेंगे। तो इसमें आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, इसको 6 से 7 घंटे तक आप ऊपर से एक प्लेट से कवर करके एक टॉवल से ढक के रख दें, और उसके बाद जो है ये कंडेंस हो जाएगा अच्छे से। रूम टेम्परेचर पे ही इसको आप रख दें। तो कलाकंद के ऊपर जो है पिस्ता बहुत अच्छा लगता है, तो पिस्ता की कतरन थोड़ी डाल देंगे हम। तो ये एक ऐसी मिठाई है जिसे हम दूध से बना सकते हैं, दूध और चीनी से। तो ये आप व्रत में भी खा सकते हैं, तो ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के डाल सकते हैं इसमें। इसको हल्का सा दबा देंगे हम। अब हम इसको एक प्लेट से ढक के और एक टॉवल से ढक दिया है हमने, और 6-7 घंटे के बाद जो हमारा ये कलाकंद है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। अब इसके जो हम पीसेस हैं वो काट लेंगे और बटर पेपर लगा लें तो पीसेस आसानी से निकल जाते हैं, नहीं तो फिर आप जो है पलटा होता है जिसे हम चीला बनाते हैं, तो उससे भी हम इसके पीसेस जो है आराम से निकल आएंगे। तो देखिए कितना सॉफ्ट बना है और कितना प्यारा कलर आया है इसका, और ये बहुत ही टेस्टी लगती है।
बस एक ही ध्यान रखना है कि आप इसमें जो सिट्रिक एसिड आपको ज़्यादा नहीं डालें।